आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सबसे पहले आप सबके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधार का एक न्यू पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल के जरिए अब आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से अपने नेम को अपडेट कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर सकते हैं, पेरेंटेज, जेंडर, एड्रेस को भी अपडेट कर सकते हैं। इससे पहले सिर्फ हम अपने एड्रेस को ही अपने आधार में अपडेट कर सकते थे। अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंटेज को ठीक करवाने के लिए हमें आधार एनरोलमेंट सेंटर ही जाना पड़ता था। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूं कि आप माई आधार न्यू पोर्टल की मदद से अपने आधार का पीबीसी आधार को कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, आपका आधार कौन कौन से बैंक से लिंक है उसके बारे में आप कैसे पता कर सकते हैं, अपने आधार में किसी भी प्रकार की जो करेक्शन है आप उसे घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे कर सकते हैं, सारा प्रोसेस मैं आपको लाइव जहां पे दिखाने वाला हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको माई आधार न्यू पोर्टल का जो लिंक है वो मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है माई आधार न्यू पोर्टल तो वो ओपन हो जाएगा। तो जहां पर आप देख सकते हैं वेलकम टू माई आधार, सबसे पहले आप जहां से राइट साइड पे देखिए तो जहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, तो सबसे पहले आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी। तो सिंपली आपको जहाँ पे क्या करना होगा, अपना 12 डिजिट का आधार नंबर जहाँ पे एंटर करना होगा, दिया गया जो कैप्चा है वो आपने जहाँ पे एंटर करना है और सिंपली आपने सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना आधार कार्ड एंटर कर लिया है, दिया गया जो कैप्चा था उसे भी एंटर कर लिया है। अब आपने सिंपली सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, आपने उस ओटीपी को जहाँ पे एंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेना। जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड कर दिया गया था, हमने उस ओटीपी को जहाँ पे एंटर कर लिया है। अब आपने सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने एक नेक्स्ट टैब ओपन हो चुकी है। तो जैसे ही आपके सामने न्यू टैब ओपन हो जाएगी तो सबसे पहले आप राइट साइड पे जहां पे देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन होगा, तो जहां पे एक प्रोफाइल का आइकन बना होगा। जैसे आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार होगा वो आपके सामने जहां पे आ जाएगा। तो जहां पे आप देख सकते हैं आपका जो आधार होगा उसके ऊपर जो फोटोग्राफ, उसकी जो फ्रंट साइड होगी वो आपके सामने जहां पे शो होगी। इसी तरह से उसके नीचे एक ऑप्शन होगा फ्लिप आधार कार्ड, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड की जो बैक साइड है उसके ऊपर जो एड्रेस होता है वो आपके सामने जहां पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जहां से आप अपने आधार कार्ड को देख सकते हैं। आप जहां पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस पोर्टल के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज दी है जो हम इसी पोर्टल के जरिए अवेल कर सकते हैं। नंबर वन, अपने आधार कार्ड को जहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर टू, अपने आधार कार्ड का जो पीबीसी आधार कार्ड है उसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके लिए महज हमें 50 रुपीज पे करने होंगे और हमारा जो प्लास्टिक का आधार कार्ड है वो हमारे डोर स्टेप पर आ जाएगा। इसी तरह अपने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की कुरेक्शन कर सकते हैं, अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस की कुरेक्शन जहाँ पे कर सकते हैं। हमारा आधार कार्ड कौन कौन से बैंक अकाउंट से लिंक है वो आप उसका स्टेटस जहाँ से जान सकते हैं। जनरेट वर्चुअल आईडी वो भी हम जहाँ से कर सकते हैं। अपने आधार कार्ड को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। जहाँ से आपने देख लिया कि आधार से जुड़ी जितनी भी सेवाएं हैं उनका हम जहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हम अपने आधार कार्ड का पीबीसी आधार कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसे हम जहाँ से कैसे ऑर्डर करेंगे। तो सिंपली आपने सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है आप उस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी, तो जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको आपका पीबीसी आधार कार्ड ऑर्डर करने के लिए 50 रुपये की पेमेंट भी करनी होगी। तो आपका जो प्लास्टिक का आधार कार्ड है वो बन के 15 दिन के अंदर इंडियन स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके घर आ जाएगा। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जहां पे आपका पूरा प्रोफाइल शो होगा, जहां पे आपका नेम शो होगा, आपका फोटोग्राफ आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका एड्रेस भी जहां पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन आएगा जहां पे आप नीचे देखेंगे, यहां पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक करने बताया जाएगा कि पीबीसी आधार कार्ड के लिए आपको 50 रुपये की पेमेंट करनी होगी। तो उसके लिए सिंपली आपको यहां पे एक ऑप्शन होगा जहां पे आपको आई हेयर बाय कन्फर्म आपको जहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो जहाँ पे एक ऑप्शन एनेबल हो जाएगा मेक पेमेंट का, तो जहाँ पे आपने 50 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। तो जैसे हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एक नेक्स्ट टैब ओपन हो चुकी है जहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं पेमेंट के। जैसे कि आप देख सकते हैं कार्ड्स, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, वॉलेट के थ्रू, पेटीएम, यूपीआई, किसी भी तरह से हमें 50 रुपये की पेमेंट करनी है। तो चलिए अब हम जहाँ से क्रेडिट कार्ड को चूज़ कर, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपने क्रेडिट कार्ड को चूज़ कर लिया। हमें अपना 16 डिजिट का क्रेडिट कार्ड का नंबर जहाँ पे डालना होगा, एक्सपायरी,
CVP नंबर, नेम जो हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे होगा और प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP सेंड किया जाएगा। हमने अपनी कार्ड की डिटेल्स इसमें एंटर कर ली हैं, अब आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नेक्स्ट टैब ओपन हो रही होगी, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो चुकी है और हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP भी आ चुका है। OTP को हमने जहां पे एंटर कर लिया, अब आपने सिंपली जहां पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपकी जो पेमेंट है वो जहां पे प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने इस पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, तो जहां पे आपको एक मैसेज भी शो हो गया कि आपका जो 50 रुपी की पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गई। देख लिया कितनी आसानी के साथ सिर्फ 1 मिनट के अंदर हमने इस पोर्टल के जरिए अपने PBC आधार कार्ड का ऑर्डर कर दिया। अगर आपके आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, आप तभी भी अपने PBC आधार कार्ड का ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। आज की डेट जहाँ पे शो हो जाएगी, जितनी अमाउंट हमने पे की, उसके बाद जहाँ से आप डाउनलोड एक्नॉलेज अपनी रिसिप्ट है उसे भी जहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपने डाउनलोड एक्नॉलेज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करेंगे आपकी जो एक्नॉलेजमेंट होगी, जो रिसिप्ट होगी, वो भी डाउनलोड हो जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे आपने एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक किया तो आपकी जो रिसिप्ट है वो आपके फोन या लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी। जिस डेट को आपने पेमेंट की, आपका SR नंबर, फर्दर आपको इसको ट्रैक करना होगा तो आप SR नंबर के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। पेमेंट आपकी 50 रुपी की हुई है, उसके बाद आपका आधार नंबर, जो भी इसकी ट्रांजेक्शन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपके सामने आपकी जो रिसिप्ट है वो भी डाउनलोड हो जाएगी। तो सारा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हम अपने आधार कार्ड की जो PBC कॉपी है उसका ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। महज 50 रुपये देके हम अपने आधार कार्ड की जो प्लास्टिक कॉपी है वो अपने डोर स्टेप पे इंडियन स्पीड पोस्ट के थ्रू मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने आधार कार्ड पे अपने नेम को कैसे अपडेट कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैसे अपडेट कर सकते हैं, अपने जेंडर, अपने एड्रेस, पेरेंटेज को कैसे अपडेट कर सकते हैं। मैं आपको लाइव 1x1 सारे स्टेप जहां पे दिखाने वाला हूं। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में मेरे जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं, चाहे वो पैन रिलेटेड वीडियोज हों, वोटर आईडी कार्ड रिलेटेड वीडियोज हों, आधार कार्ड रिलेटेड वीडियोज हों, उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सो दैट मैं इसी मोटिवेशन के साथ टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद।